बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सरसों का साग बनाने का प्रोग्राम बनाया तो मैंने कहा आपके साथ भी इसकी फ्रेश वीडियो शेयर कर लूं। उसके लिए मैंने सरसों का साग ले लिया 1.5 किलो, पालक 1 किलो और ये बाथू है, एक गुच्छी बाथू की थी। इनको मैंने अच्छी तरह काट के 3-4 पानी धो लिया है ताकि ये इनके अंदर जो रेत वगैरह वो सारी निकल जाए। अब एक देचकी में मैंने ये सरसों का साग डाला है, इसमें अब मैं डालूंगी ये बाथू। अभी मैंने मिक्स नहीं किया था, मैंने कहा आपके सामने ही डालूंगी। धो के साफ करके तकरीबन एक प्याली भर के ही रह गया था ये बाथू। इससे साग बहुत मुलायम हो जाता है और मजे का भी बनता है जायका। चूल्हा ऑन कर दिया और अब इसमें डाल देंगे पालक। इतना आसान नहीं होता इसको, यानी कि अगर आप कल बनाना चाहते हैं तो आज एक दिन पहले इसको बॉयल वगैरह कर लें और फिर तड़के का काम जिस दिन आपने खाना है वो कर लें। इसमें पालक भी चली गई। अब इसमें डालूंगी 1 लीटर पानी, क्योंकि इसने 3 से 4-5 घंटे पकते रहना है। इसके अंदर से भी पानी निकलेगा और ये भी पानी। अब मैं इसने पकने दूंगी, अभी जोश आएगा ये नीचे चली जाएगी और मैं ऊपर से डांप के इसको 4 से 5 घंटे के लिए हल्की आंच पे पकने दूंगी। उसके बाद आपको दिखाऊंगी आगे क्या करना है। ये बहुत अच्छी तरह जोश आने शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें जो स्पाइसेस डालूंगी वो मैं आपको बता देती हूँ ताकि ये 4-5 घंटे हल्की आंच पे पकता रहेगा। ऊपर से डांप देंगे। 7 से 8 हरी मिर्चें मैंने रफली काटनी है, ये डालेंगे। अभी 1 टीस्पून फुल भर के नमक का डालेंगे, फिर चक्के और डाल देंगे। 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे हल्दी का और हमने डालनी है क्रश चिली 1 टीस्पून फुल भर के, थोड़ी सी और डाल देते हैं बस, क्योंकि हरी मिर्च भी काफी डाली है। अब ऊपर से ढांप के हमने इसे पकने देना है, हल्की आंच कर देंगे और ये इसी पानी में पक पक के गल जाएगा। फिर आगे क्या करना है वो फिर साथ ही आपको बताएंगे, जब इसका पानी भी हासा ड्राई हो जाएगा और ये साग भी गल जाएगा, मिर्च मसाला सब इसमें रच बस जाएगा। चलिए चम्मच निकाल के ऊपर से मैं ढांप दूंगी और इसको गलाने के लिए छोड़ देंगे। 4 घंटे मैंने इसकी पकाई की है, सारा पानी खुश्क हो गया, थोड़ा सा है। अब चाहे तो आप लकड़ी की मदानी से कर लें, चाहे इलेक्ट्रिक हीटर से कर लें। अब आसानी हो गई और मैं इसी से करूंगी। देखिए बस इतनी देर में ये हो भी गया है, गला तो हुआ था। अब मैंने तड़का लगाना है, इस तरह मैं इसे अब सेव कर लूंगी और जब तड़का लगाऊंगी आपके सामने लगा के वीडियो मुकम्मल करूंगी। अभी मैंने रात का टाइम है, अभी मैंने इसे रेडी नहीं करना, कल करूंगी और फिर आपको भी दिखा देंगे तड़का कैसे लगाएंगे और इसके साथ मैंने किसके साथ इंजॉय करना है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और इसकी थोड़ी और पकाई हो जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा, बहुत ही मजेदार बनेगा। तो मैंने आसानी कर ली अपनी, हाथ से मैंने इसका गोटा नहीं लगाया, मैंने इलेक्ट्रिक ये बीटर से कर लिया। चलें अब इसे हम सेव कर लेते हैं। साग की बहुत अच्छी तरह गोटाई मैंने इलेक्ट्रिक बीटर से ही कर ली थी। अब इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया ताकि इसका प्यारा सा तड़का भी लगाया जाए और इसे फाइनल लुक दिया जाए। आप हाथ वाली मदानी से भी कर सकते हैं। इसका जायका, इसका टेस्ट, इसका क्रीमीपन बढ़ाने के लिए मैं इसमें आटा शामिल नहीं करूंगी, इसमें करेंगे 1 प्याली मलाई दूध की। फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, दही नहीं डालेंगे। अब ये मलाई डाल के मैं इसकी बुनाई करूंगी अच्छी तरह। इसका जायका देखिएगा कितना मजेदार बनेगा। तो पहले भी मैंने बनाना सिखाया हुआ है, आज नए तरीके के साथ थोड़ा सा मैंने इसका स्टाइल चेंज किया है। जायका भी मजे का बनेगा और मजा आ जाएगा, सीजन भी है। चले अब मैं इसको जरा मलाई का पानी खुश्क होने तक भूनूंगी, चूल्हा तेज कर देंगे और इसकी बुनाई करेंगे। जो थोड़ा सा मलाई का पानी है ये ड्राई होगा, फिर इसका तड़का लगाएंगे आपके सामने।
सारा मलाई का पानी खुश्क हो गया है, इसमें अब कोई पानी नहीं है, शाइन आना शुरू हो गया। ऑयल वगैरह घी तो डाला नहीं अभी, इसलिए मैं इसे उतार रही हूँ और इसका प्यारा सा तड़का तैयार करेंगे। आधी प्याली मैंने देसी घी ले लिया है, आप डालडा में भी बना सकते हैं, ऑयल में भी बना सकते हैं, मक्खन में भी तड़का बना सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी लिया घर का। इसे आप गर्म होने देंगे हूँ, तड़के से इसका स्वाद बहुत मजे का हो जाता है। तो इसमें मैंने एक टेबलस्पून क्रश किया हुआ अदरक, एक लहसुन, एक टेबलस्पून लहसुन और तीन से चार सुरख मिर्च घर में किचन में पड़ी हुई जो ड्राई हो जाती है हरी वाली वो ली है। सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन मैंने साथ बॉईल करते हुए नहीं डाला था, इतना ज्यादा हैवी लहसुन का जायका करने की जरूरत नहीं होती, तड़के में जो आ जाता है वो ही बहुत है। मैं प्याज का तड़का नहीं लगाऊंगी, अदरक लहसुन का लगाऊंगी। ये देखें, जब ये देखें हल्का सा गोल्डन होना शुरू होगा तो फिर हम बकाया अदरक डालेंगे। लहसुन का कच्चापन खत्म करेंगे पहले, क्योंकि हल्की आंच की हुई है, देसी घी भी ना जल जाए, गोल्डन होना शुरू हो गया। अब इसमें अदरक क्रश किया हुआ डालेंगे, अदरक का जायका बहुत मजे का लगता है इसमें। अब ये सुरख मिर्च कटी हुई आप रफली चॉप करके भी डाल सकते हैं। तड़का हो गया तैयार, अब आ जाए साग की तरफ। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये सारा तड़का मैंने साग को लगा दिया, आप बोल में डाल के भी लगा सकते हैं। ये देखिए बहुत मजेदार, बहुत टेस्टी, इसके साथ में मकई की रोटी बनाऊंगी और वो भी जब बनाऊंगी आपके साथ उसके लहदा से वीडियो शेयर करेंगे। तो आप ये बनाएं चावलों के साथ, सादी रोटी के साथ, खमीरी रोटी के साथ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। प्लीज बनाएं, इंजॉय करें, मुझे दुआ में याद रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।